नमस्कार और सुबह की ताजगी के साथ स्वागत है आपका बद्रीनाथ धाम सीरीज में। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में और अभी हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। ये सब कल का बर्फ होगा, कल कुछ होगा। और यहाँ पे परसों स्नोफॉल हुई थी जिसके वजह से ये रोड अभी भी गीली है, तो ये थोड़ा सा स्लिपरी भी हो रहा है उसकी वजह से। हमको यहाँ पे कल कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पे कल -6 के आसपास टेम्परेचर था, आज भी ठंडी बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर आज भी माइनस में ही है। आज 18 नवंबर है और कल 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे और कपाट 6 महीने बाद फिर वापस खुलेंगे। और अब हम पहुंच गए मंदिर परिसर के गेट में। प्रसाद हो गया दर्शन, चलो प्रसाद आगे मिलेगा। ऊपर सामान रख लेंगे, अभी कह रहे ऊपर बैठ देंगे आराम से। तो चलो ऊपर चलो, चप्पल जूते यहीं उतारने, चप्पल जूते यहीं उतारने। और यहाँ पे लेफ्ट में भी बोर्ड लगाने की सामग्री मिल रही है, 2-3 दुकानें हैं। और भगवान को भोग लगाने के लिए जो सामग्री होती है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे कई जगह भोग लगाने के लिए भगवान को प्रसाद के काउंटर बने हुए हैं। तो एक तो आप इस साइड जब हम मंदिर पे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो ये राइट हैंड साइड में पड़ता है, ये आप देखिए यहाँ पर भोग लगाने की सामग्री मिल रही है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और एक सीढ़ियों के उस साइड यानी जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कई दुकानें हैं, मतलब 3 से 4 दुकानें होंगी जहाँ से आप सामग्री ले सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। शोभित
के ऊपर ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 3 स्वर्ण कलश बने हुए हैं। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम की 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप में श्री बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ स्थापित उनकी मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है जो 1 मीटर लंबी है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इन्हें आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास में स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को श्री हरि की स्वतः प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना गया है। श्री बद्रीनाथ को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना गया है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध कहा गया। द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। वहीं कलयुग में इसे श्री बद्री का आश्रम अथवा बद्रीनाथ कहा जाता है। इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर के भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से 1 मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। श्री बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। बद्रीनाथ के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। कहते हैं कि पहले ये शिव की भूमि थी और बाद में ये श्री हरि विष्णु का निवास स्थान बन गया। ये जानकर हो सकता है कि आपके भी मन में सवाल उठे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिवजी को वहां से जाना पड़ा और शिव भूमि विष्णु धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम के नाम से जानी जाने लगी। कथा ऐसे मिलती है कि श्री विष्णु की इस भूमि में यानी कि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास था। शिव यहां पर अपने परिवार के साथ वास करते थे, लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में थे तो उन्हें ये स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वो मोहित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि ये तो उनके आराध्य भगवान शिव का निवास स्थान है। ऐसे में वो उस जगह पर कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में एक लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माँ पार्वती की नज़र उन पर पड़ी तो वो बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वे तो चुप ही नहीं हो रहा था। इसके बाद माता उसे लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी, भोलेनाथ समझ गए ये तो श्री हरि हैं। उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दें, वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन मान नहीं मानी और बालक को सुलाने के लिए भीतर लेकर चली गई। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर आई। इसके बाद शुरू हुई विष्णु जी की एक और लीला। उन्होंने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया और जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि ये स्थान मुझे बहुत पसंद आया है और मैं यहाँ पर ध्यान और तप करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर भोलेनाथ ने यह स्थान श्री हरि विष्णु को दे दिया। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई और भोलेनाथ केदारनाथ में निवास करने लगे। जिस स्थान से भगवान शिव और माता पार्वती गए
उस स्थान को आदि केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी भगवान विष्णु के बाल रूप के पद चिन्ह हैं। पवित्र धाम बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने तक ही खुले रहते हैं तथा बाकी के 6 महीने ये बंद रहते हैं। हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खुलने और बंद करने की तिथि की घोषणा बसंत पंचमी के शुभ दिन मंदिर समिति द्वारा ही की जाती है। 6 माह बाद अक्षय तृतीया के दिन सभी कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले जाते हैं। 6 महीने बाद भी गर्भगृह में प्रज्वलित ज्योत निरंतर प्रज्वलित रहती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढका रहता है, ज्योत का जला रहना भी भगवान का ही चमत्कार है। कपाट सदैव अक्षय तृतीया के दिन ही खोलने की परंपरा है तथा मार्गशीर्ष माह के प्रथम सप्ताह अर्थात दिवाली के बाद ही कपाट बंद होने की भी परंपरा है। बद्रीनाथ धाम की पूजा करने वाले मुख्य पुजारी को रावल कहते हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा के मुताबिक रावल दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार से होते हैं। रावल ही बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति बद्रीनाथ की मूर्ति को छू भी नहीं सकता है। लेकिन कपाट बंद होने के बाद रावल को भी बद्रीनाथ धाम में रुकने की इजाजत नहीं होती। अन्य भक्तों की तरह वो भी वापस लौट आते हैं। मान्यता है कि इसके बाद देवर्षि नारद और अन्य देवता बद्रीनाथ की पूजा अर्चना का जिम्मा संभालते हैं। रावल केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। ये ऊपर देखिए जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, इसे पहाड़ी मैना कहते हैं। इसकी जो चोंच होती है वो पीले रंग की होती है और इसके पैर गुलाबी रंग के होते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि श्री बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वतों के बीच में है, तो ये सामने देखिए ये दिख रहे हैं नर और नारायण पर्वत। तो हम जरा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने श्री बद्री विशाल जी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। और ये मंदिर परिसर का साइड का एरिया है, चारों तरफ से ऐसी जगह बनी हुई है। परिसर बहुत ही खूबसूरत है और अभी आप मंदिर परिसर के दर्शन कर रहे हैं। और ये आदि शंकराचार्य जी की गद्दी है और ये देखिए मूर्ति बनी हुई है श्री आदि शंकराचार्य जी की। बहुत साल पहले चीनी आक्रमणकारियों ने श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति को पास में ही स्थित नारद कुंड में डलवा दिया था। उसके कुछ समय बाद 8वीं शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड में से श्री बद्रीनाथ जी की मूर्ति को निकाल कर इस मंदिर में भगवान की स्थापना की। और यहाँ पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। और यहाँ थोड़ा आगे ही श्री हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है।
और ये मंदिर परिसर में ये जो छोटा सा मंदिर आप देख रहे हैं, ये मूर्ति है श्री क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी की मूर्ति। आज 18 नवंबर है और फूलों से अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है मंदिर को, और कल 19 नवंबर को बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के दिन बद्रीनाथ मंदिर को हजारों फूलों से सजाया जाता है। मुख्य पुजारी रावल पूरे गर्भगृह को भी फूलों से सजाते हैं। पूजा अर्चना के बाद गर्भगृह में मौजूद उद्धव और कुबेर की मूर्तियों को बाहर लाया जाता है। इसके बाद रावल स्त्री वेश में माँ लक्ष्मी की सखी बनकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को श्री बद्रीनाथ जी के सानिध्य में रख देते हैं। मान्यता ऐसी है कि माँ लक्ष्मी 6 महीने तक फिर यहीं रहती हैं। बद्रीनाथ की मूर्ति को घी में डुबोए गए ऊनी कंबल से लपेटा जाता है। ये ऊनी कंबल भारत के आखिरी गांव माणा की महिलाओं द्वारा बुनकर तैयार किया जाता है। इस पर रावल घी लगाते हैं और इसे घृत कंबल कहा जाता है। घृत कंबल से भगवान बद्रीनाथ जी और माता लक्ष्मी को ढका जाता है और अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले जय जयकार के बीच श्री बद्रीनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मोक्षदायिनी भूमि है ये, पतित पावनी भूमि है ये, मोक्षदायिनी भूमि है ये, पतित पावनी मोक्षदायिनी भूमि है ये, पतित पावनी भूमि सर में प्रवेश करने से पहले ही राइट हैंड साइड में ये आप देखिए तप्त कुंड है। यहाँ पे लोग दर्शन करने के पहले स्नान करते हैं, तो यहाँ पे गर्म पानी होता है इस कुंड में। तो चलिए हम आपको तप्त कुंड के भी दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पे इस तप्त कुंड में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्म पानी रहता है और ये एक तरफ इधर पुरुषों का कुंड बना हुआ है गर्म पानी में स्नान करने के लिए, और एक तरफ गर्म पानी का कुंड बना हुआ साइड में वो महिलाओं के लिए है। Thank you.
जो आपको नदी दिख रही है यह है अलकनंदा नदी। भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं कुछ नाश्ता करने के लिए, तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं। और मंदिर से बाहर आते ही थोड़ी दूर पर ही ये रेस्टोरेंट है, उर्वशी रेस्टोरेंट, और ये गर्मा गर्म छोले बन रहे हैं अभी इसमें। और हमने अभी नाश्ता कर लिया है यहाँ पर, छोले और पूरी, और लेकिन हम दिखाना भूल गए हैं, तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। क्या वैरायटीज होती है आपके पास? हमारे पास छोले होते हैं, भटूरे होते हैं, पूड़ी होता है, पराठे होते हैं, और मैगी है, चाउमीन है, इडली है, डोसा है। अच्छा, जैसा कि आपने सुना इनके पास इतनी सारी वैरायटीज होती है, तो आप जब भी यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। जरूर सेवा का मौका देने का वो करेंगे, कष्ट करेंगे। तो हमने अभी यहाँ पे खाया था छोले पूरी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हल्के मसाले पे बना हुआ था, लेकिन स्वादिष्ट बहुत था। और यहाँ पे देखिए इनके पास ये गरम गरम दूध भी मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, इसको कैरमलाइज्ड करके ये देते हैं, बहुत अच्छे से। ये हमारे उस्ताद जी धनवीर जी। अच्छा, धनवीर सिंह जी, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना था। हाँ जी, आपके हाथ में जादू है। हाँ जी, हाथ में जादू है, हुनर है, बहुत अच्छा स्वाद था। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये यहाँ के ओनर हैं, क्या शुभ नाम है आपसे? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह भसवान। अच्छा, जय भद्रवेशिया। जय भद्रवेशिया। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है, यहाँ पे वुलन कपड़े और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए दूर दिख रही है एक पहाड़ों पे कुटिया दिख रही है, और इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो कुटिया है, ये यहाँ पे कुछ संतों की कुटिया है, जो शायद कपाट बंद होने के बाद भी वो शायद यहीं रहते हैं, कितनी कठिन तप करते हैं वो। इन संतों को
कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और अब हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम यहाँ से जाएंगे माणा गांव और वहाँ की कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे, और वहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाते हुए हम वापसी करेंगे हरिद्वार की ओर। और रास्ते में जो भी सीनिक व्यूज़ दिखेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब हम बद्रीनाथ आ रहे थे तो अंधेरा हो जाने की वजह से बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ हम शूट नहीं कर पाए थे। तो अभी जब हम बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार जाएंगे तो जो खास दृश्य रास्ते में पड़ेंगे वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, और वो सब आपको देखने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।